Assalamu alaikum students and welcome back to my channel Lesson 8. This video is on question number 14 of the chapter number 11 probability. Question number 14 is to find for two independent event A and B, probability of A is given, that is alpha, and probability of A union B is equals to beta. और बी बीटा की वैल्यू जो है वो अल्फा से ग्रेटर होगी. देन आपने जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बी की, प्रोबेबिलिटी को शो करना है कि जो प्रोबेबिलिटी जो आपका बी की वैल्यू आएगी दैट विल बी बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा. तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फॉर्मूलाज पे ग्रिप होनी चाहिए. समवन इज आस्किंग मी अबाउट कि कहाँ पे हम यूनियन का फॉर्मूला लगाएंगे एंड कहाँ पे हम इंटरसेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो आई विल एक्सप्लेन दैट टू इन दिस वीडियो. तो जब हम बात करते हैं दो इवेंट्स की, दो स्पेसिफिक इवेंट्स की बात करेंगे तो दैट्स मीन कि हम यहाँ पे कंपाउंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. और इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है, ऑलरेडी इंडिपेंडेंट इवेंट है. इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए इंटरसेक्ट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी माइनस A इंटरसेक्शन B. ये इसलिए कि जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं A यूनियन B की तो हम इसमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A की लेंगे. यूनियन का मतलब होता है जो आपके पास डाटा अवेलेबल है उसको आपने एक सीक्वेंस में प्रॉपरली लिखना है. यूनियन जब भी आप लिखते हैं जो फर्स्ट जो है उसमें फर्स्ट सेट में या फर्स्ट इवेंट में जो सारे सैम्पल स्पेस में आपको गिवन वैल्यूज होती हैं उसको आप सेकंड के साथ कंबाइन करके लिखते हो. तो यहाँ ए और बी की वैल्यूज को हमने कंबाइन करके एक सीक्वेंस में लिखना होता है ए और बी. दैट्स व्हाई हम इनकी वैल्यूज को सम अप करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है. राइट और इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? जो हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं उसमें हम ए इंटू बी किया जाता है, यानी उनका प्रोडक्ट निकाला जाता है. प्रोडक्ट क्योंकि सिर्फ हम इसमें कॉमन वैल्यूज को कंसीडर कर रहे होते हैं, हम ओवरऑल सारी वैल्यूज को कंसीडर इसमें नहीं करते, सिर्फ हम कॉमन वैल्यूज को लेते हैं. सेम इन द केस अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए होगा तो भी हम इनको आपस में मल्टीप्लाई ही करवाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि हमने प्रोबेबिलिटी बी अगर मैं इसी वैल्यू को कंसीडर कर लूं, इसी वैल्यू में जो है हमने मैंने पुट करनी है वैल्यूज, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज है ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है. ए यूनियन बी इज ए बीटा एंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इज अल्फा. तो बी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है और इंटरसेक्शन की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है. तो इस इंटरसेक्शन की जगह मैं ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू उसको पुट कर देती हूँ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. देन वैल्यूज पुट कर दी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बीटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू अल्फा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस क्योंकि बी की वैल्यू नहीं है बी हम फाइंड कर रहे हैं इसलिए बी एज इट इज मैंशन कर दिया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज माइनस अल्फा, माइनस का साइन जो आ गया माइनस एंड अल्फा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं बी, यहाँ पे ए को हम पहले ए की वैल्यू को अल्फा को हम मूव करा देंगे राइट साइड पे, अल्फा विल बी मूव टूवर्ड्स दी राइट साइड. ओके, इसको हमने राइट साइड पर जब लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा. और जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यूज है इनको हम कॉमन ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन विल बी टेकन कॉमन. ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकेंड वैल्यू है, सेकेंड दोनों में से हमने प्रोबेबिलिटी बी की कॉमन ले लिया. तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब कॉमन लिया तो इसकी जगह आ जाएगा वन माइनस अल्फा. देन हम इसको मूव करा देंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड पे, जब इसको राइट पर मूव कराया जाएगा तो बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो के क्वेश्चन में इन्होंने गिवन दिया हुआ था कि शो डेट दिस विल बी इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलोइंग, स्टे सपोर्टिव. Stay blessed. Thank you so much.